दोस्तों, इन तीन प्रकार के भोजन से मनुष्य की आयु कम होती है। इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, भोजन करने का सही तरीका और सही दिशा कौन सी है, भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन करने से पहले क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके पास मेरी एक शंका का निवारण करने के लिए ही आया हूं, कृपया आप अपने भक्त की दुविधा को दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, मैं अवश्य जानता हूं कि आप किस कारण से दुखी हैं और आपके मन की दुविधा को भी मैं अवश्य जानता हूं, इसीलिए आपके मन में जो भी शंका है अथवा प्रश्न है, आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज यह जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन आयु को कम करने वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए, भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ही देवर्षि, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। देवर्षि, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूं। त्रेता युग में यह कथा महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसीलिए इस कथा का महत्व बहुत अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनें और इसका प्रचार करें। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसे सैकड़ों वर्षों तक दान करने का पुण्य मिलता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहता हूं। इस कथा को मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार पृथ्वीलोक पर करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, उस समय एक बहुत बड़ा जंगल था, लेकिन उस जंगल में कोई भी पशु और पक्षी नहीं रहते थे, केवल वृक्ष और पेड़ पौधे ही थे। कोई भी पशु उस जंगल की तरफ नहीं जाता था, लेकिन उस जंगल के मध्य भाग में एक चार कोस लंबी झील थी और केवल उसी ये झील में हंस तथा अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार आचार्य मुनि उस झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। उस झील के पास एक बहुत बड़ा आश्रम था जो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में कोई भी साधु तथा तपस्वी नहीं रहता था, वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। आचार्य मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर वे उस झील के पास चले गए तो उन्हें रास्ते में एक मुर्दा अर्थात लाश पड़ी हुई दिखाई पड़ी, जो शरीर से अत्यंत बलवान और हृष्ट पुष्ट था, जिसे देखकर मालूम होता था कि वह किसी तरुण पुरुष की लाश है। उस लाश को देखकर आचार्य मुनि सोचने लगे कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसे हो गई तथा वह इस जंगल में आखिर कैसे आया होगा। उस मरे हुए आदमी के बारे में जानने की आचार्य मुनि को जिज्ञासा हुई। तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वह दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वह उस झील में नहाने के लिए चला गया। झील में नहाने के बाद वह बाहर आया और उस मुर्दे का मांस खाने लगा। उसने भर पेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खा लिया और फिर से विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी आचार्य मुनि ने उस दिव्य पुरुष को आवाज लगाई है, दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? फिर स्वर्गवासी दिव्य पुरुष ने आचार्य मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा, हे, आपको प्रणाम है। मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है, मेहरान देश में मेरे महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वे कुलदेव के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी दो पत्नियां थीं। उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक करके दो पुत्र हुए।
मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था। लोग मुझे वीर के नाम से जानते थे और मेरे छोटे भाई का नाम धनिक था। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे मेहरान देश का राजा बना दिया गया और मैं वहां सावधानी के साथ राज्य चलाने लगा। राज्य करते हुए मुझे कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे वैराग्य हुआ और मैंने राज्य पाठ का त्याग करने का निर्णय लिया और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में चला गया। अपने राज्य को मैंने अपने छोटे भाई को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। फिर इस झील के पास आकर मैंने कठोर तपस्या करना आरंभ किया। 55,000 वर्षों तक मैंने इस जंगल में तपस्या की और उसी के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरे सभी इंद्रिय तिलमिला उठे। फिर मैंने ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? यह मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस चीज का सेवन करें। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो जाता है, लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया, किसी भिखमंगे को भी नहीं दिया। तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया। तुमने सदैव ही उच्चिष्ट भोजन किया है। बिना स्नान किए ही तुम भोजन किया करते थे। भोजन शुरू करने से पहले तुमने ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण कर लिए। इसी कारण से तुम्हें यह पाप लगा है। इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के आहारों का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार से कहने पर राजा ने कहा, हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया कुछ ऐसा भोजन बताए जिसका भक्षण कर लेने पर भूख मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है। उसे तुम रोज खाओगे फिर भी यह समाप्त नहीं होगा, वह दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। मृत शरीर के अंग फिर से उग आएंगे और उन्हें तुम फिर खा सकोगे। और जब तुम अपने शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्षि आचार्य पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से राजा ने सारी हकीकत महर्षि आचार्य को बता दी और कहने लगे, हे विप्रवर, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाता हूं। न जाने कब मुनि आचार्य यहां पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बीत चुके हैं और मैं आज भी उनकी राह देख रहा हूं। राजा का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि आचार्य बोले, अच्छा तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहां पर आया हूं। मैं ही मुनि आचार्य हूं और बोलो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर महर्षि आचार्य के चरणों को वंदन करने लगे। राजा बोले, हे मुने, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, जिससे मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। ऋषि, मैं आपको यह दिव्य आभूषण भेंट करता हूं, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा की दुख भरी बातें सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई। जैसे ही राजा ने वह दिव्य आभूषण महर्षि आचार्य के हाथ पर रखा, उसी समय उनका मृत शरीर अदृश्य हो गया और वे उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर महर्षि आचार्य से आज्ञा लेकर वे उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्महे को चले गए। इस प्रकार से उस राजा को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से उच्चस्थ भोजन करने के कारण ही मेहरान देश के महाराज को ब्रह्मलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। देवर्षि, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूं, आप इसे ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले
थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता पशु पक्षी सब दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें, फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापमय बन जाता है, ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष के समान हो जाता है, और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देख कर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए, प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा, और अंत में एवं तीखे पदार्थों का सेवन करें। प्रथम तीन निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए, इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करें, यह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन न करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन का अपव्यय करना अनर्थ माना गया है, इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लें। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन दोष हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं।
पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर सूर्य अभिमुख होकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वाभिमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होती हैं। यदि चित्त कहीं और हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। जो जूते पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को असुरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में ठीक मध्यान होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहन करके भी भोजन करना अशुभ होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन कर लेना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ माना नहीं गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भोजन ग्रहण करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। साथ ही शैया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्टकारक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को भोजन करने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक जानकारी में। तब तक के लिए धन्यवाद।